इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पल्लवी पुरी को जमानत मिल गई है। पल्लवी पुरी जो कि काफी समय से जेल के अंदर थे, 2 तारीख के आसपास ये खबर आई थी कि पल्लवी पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तारीख को ये खबर आई थी और आज है 15 तारीख। तो सोचिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद, इतने लंबे समय बाद पल्लवी पुरी को जमानत मिल चुकी है। क्या रहा ऐसा कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी? दरअसल बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो पल्लवी पुरी के सपोर्ट में थे और कह रहे थे कि पल्लवी पुरी को जमानत मिलनी चाहिए, और सुबह से ही हियरिंग चल रही है कोर्ट की, जिसके बाद एक्टर को जमानत मिल गई है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वकील का वो बाद में आपको मिलेगा और सबसे पहले हम आपको देंगे, लेकिन आपको बता दूं कि पल्लवी पुरी को जमानत मिलने से टीवी के बहुत सारे जो लोग हैं, सितारे हैं, वो काफी खुश हैं क्योंकि पल्लवी पुरी का वो समर्थन कर रहे थे। और जहां तक पीड़िता की मां की बात है तो पीड़िता की मां खुलकर सामने नहीं आई। जब दिव्या खोसला कुमार ने उनकी पहचान खोली तब वो सामने आई और उन्हें कहा कि इस चीज से उनकी बेटी को और उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि बच्ची बहुत डरी हुई थी और फोटो देखते ही उसने पल्लवी पुरी को पहचान लिया और उनके किरदार का नाम लिया। शुरू में तो किरदार का नाम पिता को भी मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस सीरियल में पल्लवी पुरी काम कर रहे हैं उस सीरियल में ही ये उनका नाम है। तो ऐसे में पल्लवी पुरी को जमानत मिल गई है। अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पल्लवी पुरी बाहर आ चुके हैं, अब पल्लवी पुरी क्या कुछ कहेंगे, अपने पक्ष में क्या बातें रखेंगे मीडिया के सामने, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पल्लवी को अपना स्टैंड अब क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बयान आ चुके हैं। ऐसे में पल्लवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो अपने ऊपर आरोप जो लगे हैं वो मीडिया में आके उनकी सफाई दे। फिलहाल तो इंतजार कीजिए पल्लवी पुरी के पहले विजुअल्स का जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पल्लवी पुरी को जमानत मिल चुकी है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन बस थोड़ी देर में ही आने वाला है।